हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग चैप्टर नंबर थ्री इंटीजर्स के वर्कशीट टू के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड जैसा आपको कहा गया है वैसा करिए फर्स्ट में देखिए है मार्क एनी पॉइंट एज ऑरिजिन ऑन द गिवन नंबर लाइन देखिए एक नंबर लाइन आपको दिया गया है और इसमें आपको कह रहा है कि ऑरिजिन मार्क कीजिए ऑरिजिन कहाँ होंगे तो आप देखो इस नंबर लाइन पर कितने मार्क्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन मार्क्स हैं तो आपको ओरिजिन कहाँ होता है नंबर लाइन पर नंबर लाइन के ठीक सेंटर में तो आप देखो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव के बाद सिक्स ये पॉइंट सेंटर में होगा देखो इसके पहले भी वन टू थ्री फोर फाइव है फाइव मार्क्स इधर है फाइव मार्क्स इधर है तो आपका जीरो यहाँ होगा सेंटर में ये ओरिजिन हो गया आपका सेकेंड में देखिए राइट इंटीजर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ओरिजिन विथ प्रॉपर साइन आपको इंटीजर्स लिखने हैं प्रॉपर साइन के साथ और जीरो के दोनों साइड में तो देखो जीरो के राइट right साइड में क्या होते हैं प्लस वाले नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स तो हम सारे नंबर्स लिखते हैं ज़ीरो के राइट right में पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव ठीक है एंड जीरो के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है इन सर्कल द नंबर विच इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर लाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स देखिए आपको नंबर्स के दो पेयर दिए गए हैं इन सभी में ठीक है अब आपको ये यहाँ पे बताना है इन सर्कल करना है मतलब ऐसे नंबर को सर्कल करना है जो दूसरे नंबर के राइट में हो तो देखिए थ्री एंड माइनस वन इसमें कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में होगा मतलब थ्री राइट में होगा या माइनस वन राइट में होगा तो आप देखो थ्री पॉजिटिव नंबर है माइनस वन नेगेटिव नंबर है तो आप इसे नंबर लाइन पर देखो यहाँ पे जो नंबर लाइन है इसे पे हम देखते हैं देखिए थ्री कहाँ है जीरो के राइट right में है ना इस जगह पर है थ्री एंड माइनस वन कहाँ है जीरो के लेफ्ट में माइनस वन अब आप देखो माइनस वन एंड थ्री को कंपेयर करो माइनस वन कहाँ है थ्री के लेफ्ट में है एंड थ्री कहाँ है माइनस वन के राइट में तो कौन सा नंबर राइट में है थ्री राइट में है तो इसे हम सर्कल करेंगे सेकेंड में देखिए जीरो एंड माइनस एट जीरो कहाँ है देखो इस नंबर लाइन पर ज़ीरो यहाँ है एंड माइनस एट कहाँ है ज़ीरो के लेफ्ट में होंगे अगर हम इधर और नंबर्स लिखेंगे यहाँ पे माइनस फाइव है बट इधर और नंबर्स लिखेंगे तो माइनस एट लेफ्ट में ही आएगा जीरो के लेफ्ट में और हमें क्या करना है हमें राइट right वाला नंबर सर्कल करना है तो माइनस वन के राइट right में क्या होगा जीरो जीरो राइट वाला नंबर है सी में देखिए माइनस सिक्स एंड माइनस फोर तो यहाँ आप देखो नेगेटिव वाले नंबर्स में माइनस फोर एंड माइनस सिक्स कहाँ है तो देखो माइनस फोर यहाँ है इस नंबर लाइन पर यहाँ है और माइनस सिक्स होगा माइनस फाइव के और आगे इधर माइनस सिक्स होगा ठीक है अब देखो कौन सा नंबर right तो राइट में है तो माइनस फोर राइट में है माइनस सिक्स के राइट में माइनस फोर है तो माइनस फोर को हम सर्कल करेंगे नेक्स्ट है फोर्टीन माइनस सेवन तो देखो फोर्टीन पॉजिटिव नंबर है और माइनस सेवन नेगेटिव नंबर है तो आप देखो नंबर देख कर ही समझ जाओगे कि कौन सा नंबर राइट में होगा तो पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है तो ऑब्वियस ही बात है कि पॉजिटिव नंबर राइट में होगा और नंबर लाइन पर भी आप देख सकते हो फोर्टीन आपका जीरो के इधर आएगा इधर अगर और नंबर हम लिखते जाएंगे तो फोर्टीन आपका इधर आएगा राइट right में एंड माइनस सेवन जीरो के लेफ्ट में आएगा तो फोर्टीन राइट right में होगा ठीक है माइनस सेवन के राइट right में नेक्स्ट देखिए माइनस नाइन माइनस एट कौन सा नंबर राइट right में होगा तो देखो नंबर लाइन पर माइनस एट पहले आएगा यहाँ देखो माइनस एट के बाद माइनस नाइन आएगा ओके okay, तो राइट में कौन सा नंबर है माइनस एट इसे हम सर्कल करेंगे नेक्स्ट है एंड दोनों पॉजिटिव नंबर है तो यहां आप देखो नंबर लाइन पर फोर यहां है एंड सेवन कहाँ आएगा फाइव के बाद सिक्स सिक्स के बाद सेवन सेवन तो राइट में कौन सा नंबर आएगा फोर के राइट में सेवन आएगा तो सेवन राइट वाला नंबर है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन माइनस फाइव एंड ज़ीरो माइनस फाइव एंड ज़ीरो के बीच जितने इंटीजर्स हैं उसे लिखना है और बाकी को भी आपको वैसे ही करना है तो देखिए इसके लिए हम अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इजीली इसे समझ सकते हैं तो देखिए हमने यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ करा है ठीक है अब आपको फाइंड क्या करना है माइनस फाइव एंड ज़ीरो के बीच कितने इंटीजर्स हैं ठीक है तो आप देखो जीरो एंड माइनस फाइव यही कहा गया है ना माइनस फाइव एंड जीरो के बीच कितने इंटीजर्स हैं तो देखो क्या है माइनस फोर है माइनस थ्री है माइनस टू माइनस वन तो जो इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं उन्हें ही हमें लिखने हैं माइनस फाइव एंड जीरो को नहीं लिखना है इनके बीच जो है उन्हें ही हमें लिखना है तो क्या होगा माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन बी में आपका है देखिए माइनस फोर एंड थ्री माइनस फोर एंड थ्री के बीच आपको इंटीजर्स लिखने हैं तो देखिए नंबर लाइन पर माइनस फोर कहाँ है यहाँ है ठीक है माइनस फोर आपका नंबर लाइन पर यहाँ है एंड थ्री कहाँ है जीरो के राइट right में अब माइनस फोर एंड थ्री के बीच जितने इंटीजर्स हैं उन्हें आपको लिखने हैं तो देखिए माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन Zero, one, two. ठीक है। नेक्स्ट देखिए माइनस इलेवन एंड वन आपको माइनस इलेवन एंड वन के बीच नंबर्स लिखने हैं तो आप देखो यहाँ हमने माइनस फाइव तक लिखा है और माइनस फाइव से आगे जाएंगे तो देखिए इधर आपका जगह नहीं रहा है इसीलिए हमने इसे नीचे कर लिया है तो देखो माइनस सिक्स माइनस फाइव के बाद माइनस सिक्स है माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन माइनस इलेवन तो आपको कौन से इंटीजर्स लिखने हैं माइनस इलेवन एंड वन के बीच वन कहाँ है आपका जीरो के राइट में अब आप जीरो से चलो और इधर तक लेफ्ट तक जाओ एंड माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट इन सभी नंबर्स को लिखो तो देखो क्या है माइनस इलेवन है माइनस इलेवन से पहले क्या है माइनस टेन माइनस नाइन देखो माइनस इलेवन से पहले माइनस टेन माइनस नाइन माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन नहीं लिखना है बिकॉज हमें क्या करना था माइनस इलेवन एंड वन के बीच लिखने हैं तो देखिए सारे इंटीजर्स आपके आ गए हैं माइनस टेन से लेकर जीरो तक माइनस इलेवन एंड वन के बीच हमें लिखना था यहाँ वन है एंड यहाँ इलेवन माइनस इलेवन है ठीक है नेक्स्ट देखिए माइनस सिक्स एंड माइनस वन तो माइनस सिक्स कहाँ है देखिए माइनस फाइव से पहले माइनस सिक्स है एंड माइनस वन आपका जीरो से पहले तो इनके और इनके नंबर के बीच जो नंबर है वो लिखने हैं आपको तो माइनस फाइव होगा माइनस सिक्स के पहले वाला नंबर लिखना है माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन नहीं लिखना है बिकॉज माइनस सिक्स एंड माइनस वन के बीच के इंटीजर्स लिखने हैं तो आपका यही इसका आंसर हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है कंपेयर द नंबर्स एंड इंसर्ट एन नंबरिएट सिंबल ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू इन द स्पेस आपको यहाँ पे ये जो स्पेस दिया गया है इसमें आपको अप्रोप्रिएट सिम्बल फिक्स करना है ग्रेटर देन का या लेस देन का या इक्वल टू का तो क्या करेंगे हम देखिए इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है या इक्वल है कैसे पता चलेगा यहाँ देखो प्लस थ्री है एंड माइनस थ्री है तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था प्लस वाले जितने नंबर्स होंगे वो माइनस वाले नंबर से बड़े होते हैं प्लस वाले जितने नंबर्स होते हैं माइनस वाले नंबर से बड़े होते हैं तो यहाँ कौन सा साइन हम देंगे ग्रेटर देन का साइन देंगे तो प्लस थ्री माइनस थ्री से ग्रेटर देन होगा नेक्स्ट है देखिए माइनस वन जीरो इनमें कौन सा नंबर बड़ा होगा तो ये भी हमने पढ़ा था देखिए जीरो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनसे बड़े होते हैं जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनसे जीरो क्या होता है बड़ा होता है और माइनस वन तक क्या होगा जीरो से छोटा होगा तो यहाँ लेस देन का साइन होगा नेक्स्ट है देखिए सी में माइनस वन हंड्रेड वन माइनस वन हंड्रेड फोर इनमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है कैसे पता चलेगा देखिए दोनों माइनस वाले नंबर है तो देखिए माइनस वाले नंबर में क्या होता है जिस नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है जिस नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू मींस इनका साइन आप मत देखो आप सबसे पहले देखो कि नंबर्स क्या है हंड्रेड वन है हंड्रेड फोर है तो किसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है हंड्रेड बड़ा होता है है ना हंड्रेड बड़ा होता है हंड्रेड से बट यहाँ देखो माइनस का साइन है तो जिस नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा छोटा होगा तो इसमें माइनस हंड्रेड वन माइनस वन हंड्रेड फोर से बड़ा होगा तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन होगा सिमिलरली डी में भी देखिए क्या होगा माइनस एट्टी टू माइनस ट्वेंटी एट कौन सा नंबर बड़ा होगा देखो एट्टी टू ट्वेंटी एट से बड़ा होता है बट माइनस का साइन है इसलिए माइनस एट्टी टू लेस देन होगा माइनस ट्वेंटी एट से नेक्स्ट देखिए माइनस फोर माइनस फोर्टीन ये भी माइनस वाले नंबर इसमें किसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है फोर्टीन का तो फोर्टीन छोटा होगा माइनस फोर से तो यहाँ देखो माइनस फोर बड़ा होगा माइनस फोर्टीन से तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन होगा माइनस फोर ग्रेटर देन माइनस फोर्टीन नेक्स्ट देखिये सिक्सटीन एंड माइनस सिक्सटीन सिक्सटीन क्या है प्लस में है माइनस सिक्सटीन इधर है आप देखो प्लस वाले जितने भी नंबर होते हैं माइनस वाले नंबर से बड़े होते हैं तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन होगा नेक्स्ट है माइनस नाइनटी सेवन माइनस नाइन्टी एट इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा देखो नाइनटी एट का न्यूमेरिकल वैल्यू नाइनटी सेवन से बड़ा है तो नाइनटी माइनस नाइन्टी एट छोटा होगा माइनस सेवन से और माइनस सेवन बड़ा होगा तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन होगा नेक्स्ट है देखिए माइनस वन सेवन माइनस सिक्स इसमें -197 less than होगा -96 है। उसके से उसके बाद देखिए जीरो एंड माइनस सेवन तो देखिए जीरो जो होता है जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उससे बड़ा होता है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होगा माइनस वन वन तो माइनस वाले सारे नंबर प्लस वाले नंबर से छोटे होते हैं तो यहाँ लेस देन का साइन होगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या है इन द फॉलोइंग टेबल विद द एब्सोल्यूट वैल्यूज इसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने हैं इन नंबर्स के इन इंटीजर्स के तो देखिए सेवनटीन का क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यू सेवनटीन होगा एब्सोल्यूट वैल्यू जब किसी इंटीजर का हम लिखते हैं तो उनका साइन नहीं लेते हैं प्लस या माइनस का बट एब्सोल्यूट वैल्यू जितने भी होंगे सारे पॉजिटिव होंगे माइनस एटीन का क्या होगा एटीन जीरो का जीरो माइनस फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री माइनस का साइन हम नहीं लेंगे ट्वेंटी वन का ट्वेंटी वन नेक्स्ट है माइनस 105, तो 105 हो जाएगा इसका राइट फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है मतलब सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है उससे के बाद उससे बड़ा फिर उसके बाद उससे बड़ा तो देखिए इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं तो इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा तो आप देखो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव वाले जितने नंबर्स होते हैं वे पॉजिटिव वाले नंबर से छोटे होते हैं तो आप देखो पहले पॉजिटिव वाले नंबर्स जो हैं उन्हें आप छोड़ दो आप नेगेटिव नंबर्स को देखो माइनस फाइव माइनस इलेवन माइनस ट्वेंटी वन इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा माइनस ट्वेंटी वन बिकॉज देखो ट्वेंटी वन का न्यूमेरिकल वैल्यू इलेवन एंड फाइव दोनों से बड़ा है तो ये नंबर छोटा होगा नेगेटिव वाला नंबर क्या होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है वो छोटा होता है तो ये नंबर आपका सबसे पहले आएगा तो इसका आंसर होगा माइनस ट्वेंटी वन ठीक है लेस देन का साइन दे सकते हैं हम उसके बाद माइनस फाइव एंड माइनस इलेवन में कौन सा नंबर बड़ा होगा माइनस फाइव बड़ा होगा माइनस इलेवन छोटा होगा तो माइनस इलेवन हम लिखेंगे नेक्स्ट माइनस फाइव अब पॉजिटिव वाला नंबर आएगा तो पॉजिटिव वाला नंबर कौन सा छोटा है फोर सिक्सटीन एंड फिफ्टी में फोर छोटा है उससे बड़ा कौन सा नंबर है सिक्सटीन बड़ा है एंड सबसे बड़ा फिफ्टी ठीक है अब नेक्स्ट देखिए इसमें कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा अब देखो माइनस वाला नंबर सबसे पहले माइनस वन माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व थर्टी तो इसमें देखो माइनस थर्टी सबसे छोटा होगा तो माइनस थर्टी हम पहले लिखेंगे लेस लेस देन देन फिर फिर से बड़ा कौन सा होगा 16. फिर 12, 1. ठीक है अब क्या आएगा जीरो एंड फिर सेवन ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्या है राइट फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इन इंटीजर्स को लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर जो होगा इनमें से उसे लिखेंगे फिर उससे छोटे नंबर को फिर उससे छोटे नंबर को ये इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे सबसे बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे तो देखिए जितने नेगेटिव नंबर्स हैं ये बाद में आएंगे सारे पॉजिटिव नंबर्स हम पहले लिखेंगे तो देखो पॉजिटिव नंबर में कौन सा बड़ा है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड थ्री एंड सेवेंटी सेवन में कौन सा बड़ा है हंड्रेड थ्री तो हंड्रेड थ्री लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन देंगे फिर कौन सा बड़ा नंबर है ट्वेंटी सिक्स एंड सेवेंटी सेवन में सेवेंटी सेवन बड़ा है फिर लास्ट में ट्वेंटी सिक्स लिखेंगे उसके बाद आप देखो नेगेटिव वाले नंबर्स इनमें कौन से बड़े हैं माइनस हंड्रेड सेवेंटी वन माइनस फोर्टी थ्री माइनस हंड्रेड फाइव तो माइनस वाला नंबर में हम जानते हैं कि जिस नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा तो माइनस फोर्टी थ्री बड़ा होगा इन तीनों नंबर्स में तो माइनस फोर्टी थ्री आया फिर ग्रेटर देन का साइन देंगे अब माइनस हंड्रेड सेवेंटी वन और हंड्रेड फाइव में कौन सा बड़ा होगा माइनस हंड्रेड फाइव ग्रेटर देन लास्ट में आपका ये नंबर आएगा माइनस हंड्रेड सेवेंटी वन ठीक है अब सेकेंड वालों को भी वैसे ही करेंगे देखिए कौन सा नंबर बड़ा है नाइन जीरो एंड नाइन्टी थ्री में नाइन्टी थ्री बड़ा है ठीक है तो ग्रेटर देन का साइन देंगे फिर नाइन्टी थ्री के बाद कौन सा आएगा नाइन फिर कौन सा आएगा जीरो जीरो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनसे बड़ा होता है अब देखिए नेगेटिव नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा होगा माइनस एट माइनस सेवेंटी फाइव माइनस सेवेंटी नाइन तो देखो माइनस एट पहले आएगा ठीक है ग्रेटर देन अब माइनस सेवेंटी फाइव माइनस सेवेंटी नाइन कौन सा बड़ा होगा माइनस सेवेंटी फाइव ग्रेटर देन माइनस सेवेंटी नाइन ठीक है क्वेश्चन नंबर एट देखिए राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्या लिखना है हमें ट्रू या फॉल्स लिखना है नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके लिए तो देखो फर्स्ट में क्या है एवरी इंटीजर इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या सारे इंटीज़र या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं तो हाँ होते हैं ये ट्रू होगा सारे जो इंटीज़र होते हैं या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव तो होते हैं देखिए प्लस फाइव माइनस सिक्स माइनस फोर प्लस थ्री हाँ, तो कोई भी इंटीजर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है बट जीरो सिर्फ ऐसा इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है तो, इसका होगा. Step, तो हाँ जीरो क्या है जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनसे बड़ा होता है तो ये भी ट्रू होगा नेक्स्ट है एन इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर कहा गया है कि क्या कोई इंटीजर जो किसी इंटीजर के लेफ्ट में है वो स्मॉलर होता है तो हाँ ये भी ट्रू होगा देखिए बिकॉज लेट सपोज ये एक नंबर लाइन है ठीक है तो नंबर लाइन पर जीरो वन टू इस तरह से इधर राइट में होंगे एंड लेफ्ट में माइनस वन माइनस टू तो देखो क्या कहा गया है एन इंटीजर टू तो द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर कोई इंटीजर जो किसी इंटीजर के लेफ्ट में है सपोज करो वन वन क्या है टू के लेफ्ट में है तो वन तो छोटा होता है टू से सिमिलरली ज़ीरो वन के लेफ्ट में है तो जीरो वन से छोटा होता है टू से भी छोटा होगा बिकॉज वन टू दोनों से लेफ्ट में है माइनस वन देखिए माइनस वन जीरो के लेफ्ट में है वन टू के भी लेफ्ट में है तो माइनस वन छोटा होगा तो जितने भी इंटीज़र लेफ्ट में होंगे दिए गए इंटीज़र से लेफ्ट में होंगे वो सारे छोटे होंगे तो ये भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू होगा नेक्स्ट है वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर यहाँ क्या कहा गया है कि क्या हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं स्मॉलेस्ट मीन अगर आपको यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव मेंशन करता तो क्लियरली हम कह सकते थे बट यहाँ देखिए सिर्फ इंटीजर कहा गया है अगर आपको यहाँ कहता कि क्या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है प्लस वन होता है बट अगर कहे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर फाइंड करना है तो ये नहीं कर सकते हैं तो ये आपका फॉल्स होगा नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर नहीं ये फॉल्स होगा देखिए क्या कहा गया एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर का क्या हमेशा उससे बड़ा होता है तो नहीं हमेशा बड़ा नहीं होता है इक्वल भी होता है देखिए जैसे कि माइनस टू है तो माइनस टू का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा टू होगा तो टू माइनस टू से बड़ा है लेकिन अगर आपको फाइव दिया जाए तो फाइव का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा फाइव होगा ये तो फाइव के इक्वल है तो हमेशा बड़ा नहीं होता है क्या इक्वल भी होता है तो ये फॉल्स होगा नेक्स्ट है देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स तो हाँ सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो ये ट्रू होगा ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स हाँ जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं तो ये भी आपका ट्रू होगा नेक्स्ट है देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इज क्या 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस थ्री होगा नहीं माइनस वाला कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस नंबर नहीं आता है तो ये फॉल्स होगा तो वर्कशीट टू के सभी क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू